फैमिली कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज है जी संडे और आज संडे का मुझे आया है दूसरा ऑर्डर। पहले ऑर्डर आया था सैंडविच का और अभी जो ऑर्डर आया है वो है जी किशनी किचन से। ये मैं अपना खाना बना रही थी लेकिन अब इसको उतारना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर बनाना है मुझे। ऑर्डर आया है जी चाय है, साथ में अंडा शामी मिक्स टिक्की है विद पराठा, फ्राई एग है, एंटी विद शुगर है। तो चलते हैं जी अपने ऑर्डर की तरफ। तो चूल्हे हमने जला दिए हैं, सबसे पहले हम टी जो है वो रख लेते हैं क्योंकि एग फ्राई हो जाएगा आराम से। अभी गैस का भी इशू है, शुक्र है कि अभी आ रही है गैस, इसीलिए मैंने खाना रखा हुआ था कि मैं बना लूं। और ये हमारी है जी इस्लामाबाद की इधर मैंने जो है चिकन बॉयल करने के लिए रखा हुआ था क्योंकि मेरे जो आपको पता ही है सैंडविच वगैरह आते हैं। तो अभी इसको मैं क्लोज करती हूँ क्योंकि आग इतनी तेज नहीं है। तो हम चलते हैं जी अपने ऑर्डर की तरफ। ऑर्डर हमें आया है जी शामी टिक्की, ये मैंने आज ही अपने जो है मेन्यू में लगाया है। अभी जस्ट मैंने सुबह अपने लिए ये नाश्ता बनाया था और उसके बाद मुझे हुआ कि मुझे आइडिया आया कि इसको मैं अपने मेन्यू में क्यों नहीं ऐड करती हूँ। तो हो सकता है कि लोग इस तरह से जो है वो ऑर्डर करें। तो देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहला ऑर्डर इसका आ गया है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये ऑर्डर शेयर करूं क्योंकि मैं आपके साथ सब कुछ अपना शेयर करती हूं, तो ये ऑर्डर भी शेयर करना जरूरी था ताकि आपको आइडिया हो। अब ये मैंने इसमें क्या किया, आपको पता है आप शामी कबाब भी सेल करते हैं, अंडा भी सेल करते हैं, इस तरह की चीजें सेल कर रहे होते हैं, तो इसको मैंने थोड़ी सी वैरायटी दे दी है। ठीक है जी, थोड़ी सी इसको मैंने वैरायटी दी है। तो ये हो गई है जी हमारी अंडा टिक्की रेडी होने लगी है। हम डालेंगे अंडा। कोई समझ नहीं आती आपको अंडों की, उसके साथ ही हम इसके बारे में अपना मसाला। हमारी चाय जो है वो तकरीबन हो गई है, इसको हम थोड़ा सा भी पीछे करते हैं, एंड में गर्म करेंगे। इसी जगह बनाते हैं फ्राई एग क्योंकि उन्होंने फ्राई एग भी मांगा है।
फिर हम तैयार करेंगे ये अपना पराठा। आपको जस्ट दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि लोग जो है जब आप न्यू आइटम कोई लगाते हैं तो लोग जरूर ट्राई करते हैं, जो आपके रेगुलर कस्टमर होते हैं वो तो करते ही हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि ये मेरे रेगुलर कस्टमर हैं या क्या है, लेकिन उन्होंने मुझे ऑर्डर किया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। अभी आधा घंटा ही हुआ मैंने जो है ये अपनी आइटम जो है ये इस पर ऑन की है। राइडर के आने में अभी 8 मिनट हैं, तो हम जल्दी से तैयार करते हैं अपना ऑर्डर। अभी आप देखेंगे ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अभी मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाई है, अपने लिए तो मैं बनाती हूँ, ऑर्डर के लिए फर्स्ट टाइम बनाई है, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा वो रखने में और वो सारा हो रहा है कि इसको मैं कैसे हैंडल करूँगी, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। अगर ऑर्डर आएंगे तो इसको मज़ीद बेहतर बनाने की भी कोशिश करेंगे कि कस्टमर को और अच्छे से जाए कस्टमर के पास। तो ये हमारी हो गई जी अंडा शामी टिक्की, और ये हमारा हो गया एग फ्राई। ये भी मैं इसी में ही रख दूँगी क्योंकि सॉलिड प्लेट में यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि इसी में ही कर दूँ, ताकि पता नहीं अब आप लोगों को कोई बात है नज़र नहीं आता तो समझ नहीं आती मुझे भी। बहरहाल ये चाय को हम दोबारा से गर्म कर लेते हैं, ये हमारा इनका काम हो गया है, ये शोर करेंगे बहुत। किसी ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया हुआ था कि जी आपका पराठा कच्चा है मुझे बड़ी हंसी आई थी कि लोग इतने गौर से देखते हैं वीडियोस, मुझे खुशी भी बड़ी हुई कि अच्छा भाई इतने गौर से देखते हैं कि मुझे मेरा पराठा कच्चा लगा। तो ऐसा नहीं होता कि मैं कच्चा पराठा दे देती हूँ, जस्ट होता ये है कि बार दफा कैमरे में आपको ऐसे शो हो रहा होता है, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। ये है जी मेरी अंडा शामी टिक्की, और साथ में जो है वो थोड़ी सी इसको गार्निशिंग कर दें हम धनिया चनिए के साथ। चलिए असल में वो कैमरे में बार दफा वही बात है, कोई लाइट इश्यू होता होगा या जो भी है तो उसकी वजह से आपको लगता है, अदरवाइज हम जो है पूरी तरह को करके ही देते हैं। और दूसरा ये है कि मेरा देसी आटा भी है, तो मे भी कि इस वजह से आपको लगता होगा ब्राउन ब्राउन सा कि शायद वो सही पका नहीं हुआ, ऐसा नहीं है अभी आपके सामने पूरी तरह पका के दूंगी अब मैं आज, तो ताकि जिन लोगों को ये कंप्लेन है जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको पता लगे कि भाई मैं प्रॉपर पका के खाना देती हूँ, ऐसे ही नहीं दे देती। राइडर जो है वो 2 मिनट पे है, ये हमारी चाय भी तकरीब बन हो गई, जितनी देर में चाय शाय पैक करती हूँ तो पराठा हो ही जाएगा, कच्चा नहीं छोड़ेंगे भाई, आज उसको प्रॉपर पका के छोड़ना है हमने। ये चाय पैक हो गई, ये देखें जी ये पराठा जो है लाल हुआ हुआ है। जिनको कंप्लेन है जी कि मैं कच्चा पराठा देती हूँ, प्लीज वो गौर से देखें कि मेरा पराठा कच्चा है या पक्का है। चलें जी नजदीक करके आपको दिखाते हैं पराठा कि ये कच्चा है या पक्का है। होपफुली कि आपको नजर आ रहा होगा पराठे की क्या सिचुएशन है। चाहे हम हटा देते हैं और अपनी चीजें जो हम ऑलरेडी कुक कर रहे थे वो दोबारा से इस पर चूल्हे पे रख देते हैं, क्योंकि मैं चिकन बॉईल कर रही थी अपने सैंडविचेस के लिए। अभी मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे हुआ कि नहीं भाई
इसको बॉईल करना जरूरी है और स्टैंड बाई के लिए मैं बॉईल कर रही हूँ। और इधर मैं बना रही थी अपने लिए खाना, तो वो भी हम रख देते हैं ताकि वो भी पके, क्योंकि गैस का कोई पता भरोसा नहीं है गैस कब चली जाए, तो इसलिए हम जो है पूरी तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हमने चूल्हा कर दिया बंद, चीजें हम आके उठाएंगे, पहले हम राइडर को जो है वो ये ऑर्डर दे दें। तो ये देख लें जी, ये प्रॉपर पका हुआ पराठा है जी, कच्चा नहीं है। ये इसका छोटा सा पीस रह गया था, वो भी इस पे डाल दें, क्योंकि जो कस्टमर की चीज है वो कस्टमर की ही है। और ये देखें, ये प्लेट कितनी अच्छी रहती है, इसको पकड़ने में भी आसानी होती है और पैकिंग में भी आसानी रहती है। जो गत्ता प्लेट है ना, वो बिल्कुल ही हो जाती है नरम सी, उसमें इतनी अच्छी पैकिंग नहीं रहती है, लेकिन हल्की चीज़ों के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मैं राइडर को देके आती हूँ। नाज़रीन, मुझे आपका तीसरा ऑर्डर आया है अपना। एक बीच में ऑर्डर आया था, वो आलू के पकौड़े थे, तो मैंने वो बनाया नहीं है। मैंने कहा चले जी, वो तो आप देखते ही रहते हैं। और अभी जो मुझे ऑर्डर आया है, ये फिश का है, ये लाहौरी फिश है। इसको मैंने बेसन लगा के फ्राई कर रही हूँ। इसको मैंने पहले स्केल पे रख के, यानी माप इसको नापा है, आधा किलो फिश है उसको ऑर्डर है। साथ में ये पुदीने वाली चटनी है, तो ये मैंने इसमें डाल के पैक कर दिए, क्योंकि ये सेफली चली जाएगी। और फिश जो है वो मेरी फ्राई हो रही है और साथ में वो तपस बन रहा है। तो ये आपका मेरा ऑर्डर है जी। अभी आज मुझे लगता है राइडर कम है, तो राइडर्स कम होने की वजह से राइडर बहुत लेट आ रहे हैं। जो पकौड़ों वाला ऑर्डर था वो भी मेरा काफी पहले का आया हुआ था, बल्कि बना के भी मुझे 10-15 मिनट वो पड़ा रहा है, और उसके बाद वो राइडर लेके गया है। तो अभी ये भी ऑर्डर आया हुआ है मेरी, देखें तकरीबन चीज़ें तैयार होने वाली हैं, लेकिन अभी तक राइडर असाइन नहीं हुआ। और साथ में लिखा हुआ आ रहा है कि भाई 11 मिनट लिखे हुए आ रहे हैं, और साथ में राइडर असाइन नहीं है। तो अगर तो फिश का ऑर्डर है, तो और जैसे मुतबक भी मेरा टाइम लगता है बनने में, तो उस हिसाब से तो ये बड़ा अच्छा हो रहा है कि राइडर नहीं है, तो मैं इजीली जो है अपना चीज़ें जो है वो आराम से बना लूँगी, जैसे मुझे वो स्लो हीट पे बनानी होती हैं। और फिश भी आपको पता है कि फ्रीज की हुई होती है, लेकिन अभी ये इतनी फ्रीज नहीं थी, इसको मैंने ट्रे में लगा के जस्ट रखा हुआ था, तो ये थोड़ी नरम सी ही थी, तो इस वजह से वो मुझे मतलब डीफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मैंने हल्के तेल में डाला है और वो अच्छे से जो है वो मेल्ट हो गई होगी अंदर तक। थोड़ा सा इसको दबा के देख लूँ, इसमें पानी तो वैसे होता नहीं है इतना, क्योंकि अगर इसको मैरिनेट करती हूँ तो मैं काफ़ी अच्छे से इसका पानी खुश कर देती हूँ, ताकि ये पानी ज़्यादा इसमें ना आए। और जब मैं मसाला भी लगाती हूँ, वो भी थोड़ा मैं गाढ़ा गाढ़ा सा लगाती हूँ, मेरा लिक्विड मसाला नहीं होता, ताकि वो फिश के साथ चिपका रहे। तो ये था आज का मेरा ख्याल है तीसरा ऑर्डर है। देखती हूँ मैं, मुझे खुद भी याद नहीं है। हाँ जी, ये मेरा तीसरा ऑर्डर है, दो ऑर्डर मेरे चले गए हैं। एक ऑर्डर मुझे 30 पॉइंट पे आया था, तो समझे कि अभी तक मुझे 4 ऑर्डर आए हैं। अभी आज संडे है, होपफुली के शाम तक और भी ऑर्डर आए, तो फिर इंशाल्लाह अगर कोई ऐसा ऑर्डर आया तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। परसों भी किसी ने मुझसे इसी तरह लाहौरी फिश का ऑर्डर किया था, जैसे 250 ग्राम का उन्होंने जो पैक यानी जो मेरी थी लगी हुई उस पर ऑर्डर किया था, और उसका मुझे बड़ा अच्छा रिव्यू भी आया, उन्होंने मुझे 5 स्टार भी दिए। होपफुली कि आज इनके पास जा रही है, इनको भी अच्छी लगे और ये भी कम से कम रेट ज़रूर करें, क्योंकि लोग रिपीटली ऑर्डर करते हैं पर रेट नहीं करते। तो देखते हैं कि और मिलते हैं कि नहीं, हमें रिव्यू मिलता है कि नहीं मिलता। अब आप ये देखें कि 1/2 kg फिश है, और इसमें कम से कम भी ये 4 पीस जो हैं ये तो आई ही हैं। ये देखें, और ये देखें साफ़ सुथरी फिश, मतलब वही बात है, कोई वो
गुम या सिरे उस तरह की चीजें नहीं होती है, जस्ट जो बीच वाला पार्ट होता है वो ही हम सर्व करते हैं कस्टमर को, तो उसकी वजह से फिर प्राइस भी हमें लगाना पड़ता है, वो हमारी मजबूरी है कि हमें प्राइस लगाना पड़ता है। अब ये है कि ये ऐसे ही चली जाए तो और अच्छा है कि गरम गरम चली जाए, पर अभी तक राइडर का दूर दूर कोई पता नहीं है। और मैं इसको जो है रेडी टू डिलीवर लगा देती हूँ, क्योंकि मेरा काम जो है तकरीबन तैयार है। तो अब ये है कि अपना मैं जो है आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझसे सीखते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप किसी से सीखते हो तो आप उसे याद रखते हो, उसका जिक्र करते हो, तो बहुत खुशी होती है कि एक इंसान जो आपसे सीख के इस काम में आगे बढ़ रहा है। और अल्लाह ताला बाकी सबके काम में बरकत डाले। उन्होंने और भी जिक्र किया कि दूसरे जो चैनल्स हैं उनको भी हमें प्रमोट करना चाहिए, तो बिल्कुल हमें करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, ताकि हम सारे मिल के आगे बढ़ें, क्योंकि हम सबका मकसद एक ही है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, और उसमें हमें सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। प्लीज नेगेटिव कमेंट्स से परहेज किया करें। अभी मेरी किसी वीडियो में सच एक मुझे याद आया, मुझे उस दिन इतनी हंसी आई थी, आप यकीन करें कि मैं हैरान हो गई पढ़ के कि यार ये लोग कहाँ बैठ के देखते हैं और कमेंट करते हैं। किसी ने मुझे लिखा हुआ है कि आप वही हैं जो एम्पोरियम माल मेरा लाहौर का है, तो आप वही हैं जो वहाँ बच्चों को डराती हैं। तो मुझे इतनी हंसी आई ये कमेंट पढ़ के। अब मैंने कहा यार मैं कोई हवा हूँ या जेन हूँ, चलो अगर मैं वहाँ हूँ भी तो मुझे ये समझ नहीं आई है कि उन्होंने ये क्यों लिखा है कि आप वही हैं जो बच्चों को डराती हैं। तो भाई मैंने किसके बच्चों को डरा दिया, प्लीज़, मैं तो लाहौर गई नहीं, ना मैंने एम्पोरियम माल अभी तक देखा है, अगर जाती भी हूँ तो मेरा उधर कभी चक्कर नहीं लगा, ना मैं कभी गई हूँ। तो अब पता नहीं उनको क्या गलतफहमी हुई है या क्या हो गया जो उनको लगा जी कि मैं ही हूँ वो डराने वाली जो बच्चों को वहाँ पे डराती है, तो ऐसा कुछ नहीं है जी। तो बाकी जो फूड पांडा होम शेफ है, यानी होम शेफ विद फूड पांडा जिनका चैनल है, वो माशाल्लाह से हर वीडियो में मेरी तारीफें कर रही होती हैं। और आप यकीन करें कि मैं अभी उनकी वीडियोस देख रही थी और मैं जितनी देर उनकी वीडियो देखती रही हूँ मैं रोती रही हूँ, यानी रोना मुझे इस खुशी से आ रहा था कि यार लोग आपको याद रखते हैं, आपको इतनी इज्जत देते हैं। इज्जत देने वाली जात जो है वो अल्लाह की है और वही आपको नवाजता है सारा। तो जब आप लोगों का मैं इतना प्यार देखती हूँ, इतनी इज्जत देखती हूँ, तो आप यकीन करें कि मैं सच में रोने लग जाती हूँ। और मेरी बेटी है तो उसने भी उनका चैनल जो है वो सब्सक्राइब किया हुआ है, जो होम शेफ विद फूड पांडा है ना, तो उनका चैनल मेरी बेटी ने भी सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अक्सर वो मुझे बता रही होती है कि मामा, वो भी देखती है उनकी वीडियोस और वो मुझे बता रही होती है, अक्सर वो मुझे बताती है कि मामा उन्होंने आपका जिक्र किया था अपनी वीडियो में, या ये जाके उनकी वीडियो देखो ऐसे। हालांकि मैं खुद भी वीडियो देखती हूँ जब टाइम मिलता है, फिर उस वक्त मैं बैठ के देख रही होती हूँ, तो अच्छा लगता है। मेरी बेटी बहुत खुश होती है, वो मुझे कहती है मामा मुझे इतना अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट्स देख रही होती हूँ कि लोग आपको इतना प्यार करते हैं, इतनी दुआएं आपको दे रहे होते हैं, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। तो आप सबका, आपकी सबके प्यार का, मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहे और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करें। हमारी दुआ तो यही है कि अल्लाह ताला सबके काम में बरकत डालें, सबके लिए आसानियाँ करें, सबको नवाजे जो जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, सबके लिए आसानियाँ बस हो जानी चाहिए अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह ताला की नज़र करम सब पे होनी चाहिए। और अल्लाह ताला इसी तरह आप सबको भी इज्जत से नवाजे। इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है, पैसा भी हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, जाहिर बात है हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उससे बढ़ के जो है वो इज्जत होती है, जो कि आप लोग देते हो, हम लोग एक दूसरे को इज्जत देते हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो बस यही लाइफ है। तो अभी आज के ऑर्डर तो अभी तक तो इतना ही है, अभी आगे देखती हूँ कोई और ऑर्डर आया तो फिर वो आपके साथ शेयर करूँगी। अब आप देखेंगे फिश तो मेरी तैयार हो गई है, लेकिन राइडर का दूर दूर पता नहीं है। और वही बात है, लेकिन तुम तक कैसे टाइम की है, अब आई डोंट नो।
ये मैंने साथ में सैलड भी बना दी है। मैंने कहा कि चले उनको इसके साथ सैलड भी सर्व कर देते हैं, और चटनी तो उन्होंने ऑर्डर की हुई थी तो ये चटनी भी उनके इसके साथ जाएगी। इसको मैं करती हूँ पैक। तो राइडर हो गया जी ये साइन, और राइडर आ रहा है 7 मिनट में। अभी मेरे घर से थोड़ी दूर है, लेकिन ये है कि मेरा ऑर्डर टाइमली रेडी है, मैंने इसको पैक कर दिया। ये फिश और सैलड और चटनी है, और ये मुतबक है जो कि मैं ऐसे ही दूंगी ताकि ये वो ऐसे ही लेके जाए। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट ऑर्डर के साथ। और ये आ गया है जी मेरा रेगुलर ऑर्डर, जिसमें कि बॉयल्ड एग है और साथ में है जी सिनेमन फ्रेंच टोस्ट। अब 3 दिन से ये हो रहा है कि 3 दिन से ये मेरे से, या तीसरा दिन है, सिनेमन फ्रेंच टोस्ट और बॉयल्ड एग ले रहे हैं कस्टमर। ये मेरे रेगुलर हैं, रिव्यूज इन्होंने एक नहीं दिया, स्टार इन्होंने मुझे एक नहीं दिया। हालांकि एक आध दफा मैंने खैर लिखा था, पर अब उन्होंने नहीं दिया तो उनकी मर्जी। अब हम क्या कर सकते हैं, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते हम किसी के साथ, लिहाजा चीनी क्यों इसमें इतनी मोटी हो गई। तो ये है कि हम उनको ऑर्डर बना के उनको देते हैं। आज राइडर असाइन नहीं हो रहे हैं जल्दी, जबकि अभी मेरे मैनेजर की कॉल आई, कॉल कह रही हूँ मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, और उन्होंने बताया हुआ था जी कि आज बहुत ऑर्डर आएंगे जी, आप ऑन रखें, ये करें वो करें। सुबह से ऑन ही रखा हुआ है, एक मिनट के लिए भी बंद नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद कोई खास ऑर्डर नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा हाल है, मेरा 5वां ऑर्डर है सुबह से, तो मुझे तब भी होता है कि ठीक है भाई, अल्लाह का शुक्र है जितने भी ऑर्डर आ गए। वही बात है, अल्लाह ताला भी हमारी हिम्मत देख के काम भेजता है। अल्लाह ताला को पता है कि अब मैं इतना काम नहीं कर सकती, तो इस वजह से वो उतने ही ऑर्डर आते हैं जितने कि मैं हैंडल कर सकूं। इस पे तो आप लोग भी यकीन करेंगे ही, आपका भी यकीन होगा कि वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला उतना ही बहुत डालता है जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मैं अब ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला उतने ही ऑर्डर भेजता है, और सबसे बड़ी बात है होता ये है कि जो मेरे ऑर्डर्स होते हैं ना, उनकी अमाउंट ऐसी होती है, मैंने जैसे पहले भी अपनी वीडियो में जिक्र की है, कि उनकी अमाउंट की वजह से मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ चलो ठीक है। अब उस वक्त जो मुझे ऑर्डर आया था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो मेरा तकरीबन 1700 का ऑर्डर था। वो एक ही ऑर्डर माशाल्लाह से ऐसा था कि मुझे हुआ कि चलो भाई शुक्र है कि अच्छा ऑर्डर मुझे आ गया है। तो इस तरह के जब मुझे एक दो ऑर्डर आ जाते हैं तो मेरा फिर होता है कि चलो शुक्र है मेरा काम जो है वो अच्छा ही है, इसलिए मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेती। मैं आपको अपना डैशबोर्ड वगैरह दिखाऊंगी अभी किसी नेक्स्ट वीडियो में ना, क्योंकि पहले जब मैंने बनाई है वीडियो तो उसमें तो खैर मैंने काम नहीं इतना किया हुआ था, मैं अब छुट्टी पे थी। तो अभी मेरे पूरे महीने का जो है वो डैशबोर्ड आ गया है मेरे पास, उसमें मतलब मेरा 7 डेज 2 डेज और एक महीने की जो मेरी इनकम है वो उसमें शो हो रही है। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि कितना काम मेरा होता है, यानी इतने का मैंने काम किया है, और उसमें से फिर जो मुझे मिलते हैं वो तो खैर पूरे तो नहीं मिलते हैं मुझे, लेकिन काम मेरा अच्छा खासा हो गया होता है। आज मैंने फिर फिश ली है, फिश वाला आया था तो मैंने फिश ली थी, मेरे ऑर्डर फिश के भी गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो फिश वाला आया तो ले लूं, क्योंकि मैरिनेट करने में टाइम लगता है तो चलो हो जाएगी। ये मैंने फुल ली है, इसको मैं अपने लिए बेक करूंगी, इसकी रेसिपी भी मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने बेक करने के लिए ना उससे फुल पीस ले लिए हैं, और बाकी जो है वो तो मैंने कटवा ली है। ये देखो अच्छे खासे पीसीज हैं ये भी, ये जो मैं देती हूँ मतलब कस्टमर को, ये उनके लिए है,
मैंने बनवाई है, अब इसको मैं फ्रिज में रखूंगी। मैंने नमक लगाया हुआ है, इसको फ्रिज में रख के और सुबह इंशाल्लाह धो के फिर इसको, फिर सारा दिन ये खुश्क होगी और फिर इस पर मैं मसाला लगाऊंगी। तो इसलिए मैं खत्म होने से पहले ही ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे 2 दिन लग जाते हैं इसको मसाला लगने में। जैसे घर में भी यूज होती है तो फिर वो खत्म भी हो जाती है, तो मैं इसलिए एडवांस ही ले ली है। तो ये था जी मेरा आज का ऑर्डर, हो सकता है इसके बाद कुछ ऑर्डर ना ही आए, बहरहाल जो भी हुआ आपको बता देंगे। ठीक है जी, राइडर आ गया।